हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक टेक्नोलॉजी के बारे में, जो कि आपका भुवनेश्वर में सिचुएटेड है और ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड फर्टिलाइजर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है। तो इस इंस्टीट्यूट में आपका प्लास्टिक इंजीनियरिंग प्रोग्राम में एमटेक कोर्स के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें आपके कुछ ब्रांचेस एलिजिबल हैं, जिसे मैं अभी आगे वीडियो में बताऊंगा। तो अगर आप अपना कैरियर, अपना फ्यूचर प्लास्टिक इंजीनियरिंग में बनाना चाहते हो, तो इससे बेस्ट आपको कॉलेज नहीं मिल सकता है, चूँकि ये आपको बेस्ट कॉलेज माना जाता है इंडिया में। ओके, तो चलिए हम लोग इसके सारे डिटेल्स को देखेंगे, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या एप्लीकेशन फ़ी रहेगी, क्या फ़ीस स्ट्रक्चर रहेगा, कौन कौन से ब्रांचेस एलिजिबल हैं, तो हम लोग वो सब देख लेते हैं। तो चलिए हम लोग सारे डिटेल्स को देखने की कोशिश करते हैं। तो आप ये देख सकते हैं, हमारा है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी CIPET, इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक्स टेक्नोलॉजी IPT भुवनेश्वर, जो कि आपका भुवनेश्वर में सिचुएटेड है। और यहाँ पर ये PG एडमिशन 2020 के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जहाँ पर आपके प्रोग्राम्स हैं MTech इन प्लास्टिक इंजीनियरिंग, MTech इन पॉलीमर नैनो टेक्नोलॉजी, MSc इन पॉलीमर साइंस और MSc इन मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो बेसिकली हम लोग जिसके लिए एलिजिबल होंगे, मैं आपको उसी प्रोग्राम्स के बारे में डिटेल में यहाँ बताऊँगा। ओके, सो फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हैं प्रोग्राम्स को। तो जो मैं यहाँ पर फर्स्ट टू प्रोग्राम्स के बारे में ही आपको बताऊंगा, क्योंकि रेस्ट टू प्रोग्राम्स के जो है हमारा, वो एरिया ऑफ इंटरेस्ट से बाहर है। सो मैं पहले और दूसरे प्रोग्राम्स के बारे में आपको बताता हूँ। तो पहला प्रोग्राम है हमारा MTech इन प्लास्टिक इंजीनियरिंग, जो कि आपका 2 साल का कोर्स है। और जो एंट्री क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए इसमें, वो BTech इन प्लास्टिक इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी या मैकेनिकल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, पॉलीमर इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग, रबर एंड प्लास्टिक टेक्नोलॉजी। ओके, या फिर आपके MSc इन पॉलीमर साइंस या पॉलीमर केमिस्ट्री या बायो पॉलीमर या केमिस्ट्री या अप्लाइड केमिस्ट्री आपका होना चाहिए। और ये आपका 2 प्रोग्राम्स के लिए ये सारा क्वालिफिकेशन, एक तो है आपका MTech इन प्लास्टिक इंजीनियरिंग और दूसरा MTech इन पॉलीमर नैनो टेक्नोलॉजी, और दोनों ही आपका 2 साल का कोर्स है। ओके, तो इन 2 प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए 2 रखा गया है, एक है आपका डोमिसाइल स्टूडेंट्स के लिए, ओडिशा डोमिसाइल स्टूडेंट्स के लिए, और दूसरी आपकी रखी गई है ऑल इंडिया स्टूडेंट्स के लिए। तो ऑल इंडिया स्टूडेंट्स के लिए 2 तरीके का है, एक तो आप गेट स्कोर, वैलिड गेट स्कोर के बेसिस पर इन 2 प्रोग्राम्स में आप एडमिशन ले सकते हो, या फिर आपको CIPET, IPT, BBSER, JEE 2020 का रिटर्न एग्जामिनेशन देना होगा, अगर आपके पास वैलिड गेट स्कोर नहीं है। ओके, और दूसरा जो डोमिसाइल कैंडिडेट्स के लिए, उड़ीसा के डोमिसाइल कैंडिडेट्स के लिए, एक तो आपके पास या फिर वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए, नहीं तो आपके पास OJEE यानी कि उड़ीसा JEE 2020 PGAT का रिटर्न एग्जामिनेशन आपको देना होगा, और उसमें क्वालिफाई करके ही आप इन 2 प्रोग्राम्स में एडमिशन ले सकते हो। ओके, तो ये 2 तरीके का आपका एडमिशन प्रोसेस है इन 2 प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए। ओके, तो एप्लीकेशन फ़ी क्या रखी गई है? तो वो रखी गई है आपकी जनरल और OBC कैंडिडेट्स के लिए 500 और SC ST कैंडिडेट्स के लिए 250, यानी कि 250 रुपये। ओके, और आपको जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग के दौरान, तो वो आपके एक रीसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो रहेगी, और दूसरी आपकी सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटो कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी। जैसे अगर आप MTech के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपको डिग्री सर्टिफिकेट और वैलिड गेट स्कोर का सर्टिफिकेट, या फिर जो भी आप अगर रिटर्न एग्जामिनेशन देते हो, तो उसका जो भी आपका रिजल्ट डेटा जो भी रहेगा, उसे आपको अपलोड करना होगा। ओके, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो और अगर एलिजिबल हो इन प्रोग्राम्स के लिए, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है, मैं इसे अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और आप वहां से जाके अप्लाई कर सकते हो। और जो इंपॉर्टेंट डेट्स दी हुई है, तो लास्ट डेट इसकी रखी गई है 2 जून 2020, सो आप जाके फॉर्म फिलअप कर सकते हो। और जो अगर आप इंट्रांस एग्जामिनेशन के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हो, तो उसकी डेट रखी गई है 6 जून 2020, इंट्रांस एग्जामिनेशन का जो डेट रखा गया है वो 6 जून 2020 है। ओके, और हम लोग लास्ट में अब फी स्ट्रक्चर और थोड़ा प्लेसमेंट के बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। सो देख सकते हो आप, ये हमारा ऑफिशियल फ़ी स्ट्रक्चर है MTech इन प्लास्टिक इंजीनियरिंग और पॉलीमर नैनो टेक्नोलॉजी के लिए। तो जो MTech इन प्लास्टिक इंजीनियरिंग के लिए है, वो नेट आपका टोटल है लगभग 34,000 रुपये फर्स्ट सेमेस्टर का, या फिर आप इसे सेमेस्टर वाइज भी कह लो। और MTech इन पॉलीमर नैनो टेक्नोलॉजी के लिए भी लगभग 34,000 रुपये रखी गई है टोटल अमाउंट, तो ये आपका सेमेस्टर वाइज रहेगा। और जो अगर इसकी फ़ी आप कंपेयर करो NIT से या फिर और भी सारे इंस्टीट्यूट से, तो काफ़ी सस्ती है, और आपका एक बढ़िया कोर्स भी है ये प्लास्टिक इंजीनियरिंग, और काफ़ी इंडिया के टॉप 10 कॉलेजेस में एक आता है आपका, अगर आप गूगल पे सर्च भी कर सकते हो इस इंस्टीट्यूट के बारे में।
पर्सनली अगर मैं कहूँ तो मुझे ये काफ़ी एक बेहतर ऑप्शन लग रहा है। अगर आप प्लास्टिक इंजीनियरिंग में अपना करियर बनाना चाहते हो तो आप अगर एलिजिबल हो और इंटरेस्टेड हो तो ज़रूर एडमिशन ले सकते हो इस कॉलेज में। ओके और फाइनली हम लोग इस इंस्टीट्यूट के प्लेसमेंट का रिकॉर्ड भी लेंगे थोड़ा सा ब्रीफ में, तो चलिए हम लोग उसको देखते हैं। आप देख सकते हैं इनका प्लेसमेंट रिकॉर्ड भी काफ़ी अच्छा है, लगभग 85 to 90% प्लेसमेंट रिकॉर्ड रहता है आपका हर साल। और जो कंपनीज़ आते हैं आप नीचे देख सकते हो, जो कंपनीज़ रेगुलर आपकी आती रहती हैं वो आपके रिलायंस इंडस्ट्रीज़, नेपको ग्रुप ऑफ कंपनीज़, रेनॉल्ड्स, इन्वेंटा टेक्नोलॉजीज़ एंड SSF प्लास्टिक्स, जो बहुत बड़ी बड़ी रिस्पेक्टिव कंपनीज़ हैं ये सब। और जो प्रोसेस रहता है आपका प्लेसमेंट का, वो आपका जनरली आपके प्रोग्राम्स के एकेडमिक्स के बेसिस पर किया जाता है। आपको शॉर्टलिस्ट, फिर आपको ग्रुप डिस्कशन, आपका एप्टीट्यूड टेस्ट, जो भी उनकी क्राइटेरिया रहती है उसके अकॉर्डिंग आपको आपका प्लेसमेंट में कैंपस रिक्रूटमेंट में आपका सिलेक्शन किया जाता है। तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हो प्लेसमेंट के लिए। फ्रेंड्स, ये मेरी एक और छोटी सी कोशिश थी एक अच्छे कॉलेज के एक अच्छे प्रोग्राम्स के बारे में आपको बताने के लिए। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर भी ज़रूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को लाइक कर लीजिए। थैंक यू, मिलते हैं आगे ऐसी किसी और वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।